Hello and welcome to my channel All Tech Unboxing, and today I am going to unbox a new product, that is MI Router 4C. So what is it? Just take a look. Before starting a video, if you are new on my channel, don't forget to subscribe. If you really enjoyed my video, don't forget to like and share. If you want any inquiry related to this product, just mention your comment on a comment section and I will reply you as soon as possible. And also don't forget to press the bell icon so that you never miss the updates. So let's start a video. So friends, यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है वो है यहाँ पे MI Router 4C और ये मैंने लिया Amazon से. Amazon में जो इसका प्राइस होगा वो होगा यहाँ पे ₹1100. यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे जो बॉक्स आपको देखने को मिलता है वो मिलता है यहाँ पे व्हाइट और ऑरेंज के रूप में. इसके साथ साथ काफी प्रीमियम बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. वहीं पे अगर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे MI का लोगो देखने को मिलेगा और नीचे यहाँ पे ब्रांड नेम जो कि यहाँ पे Xiaomi. इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मॉडल नेम देखने को मिल जाएगा जो कि MI Router 4C 300 Mbps हाई स्पीड. इसके साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ फीचर की इन्होंने बात करी है. सबसे पहला जो फीचर है वो है यहाँ पे 4 एंटीनास फॉर वाइडर कवरेज, फुल कंट्रोल VM, MI Wi-Fi ऐप, स्पीड बूस्ट फॉर हैवी टास्क. इसके साथ साथ यहाँ पे लुक एंड डिजाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा हमारे प्रोडक्ट का. वहीं पे अगर हम प्रोडक्ट को लेफ्ट साइड से देखते हैं तो यहाँ पे आपको MI का लोगो देखने को मिल जाएगा विद ब्रांड नेम Xiaomi. इसके साथ साथ राइट साइड में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी, MI Xiaomi. वहीं पे ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मॉडल नेम देखने को मिल जाएगा जो कि MI Router 4C. और नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे कंटेंट बता रखा है. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा अडेप्टर, यूजर मैनुअल, इसके साथ साथ MI Router 4C प्रोडक्ट देखने को मिलेगा. वहीं पे बॉक्स को पीछे की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ और इन्होंने स्मार्ट रूटर के फीचर बता रखे. उनमें सबसे पहला यहाँ पे 3-स्टेप सेटअप, वाईफाई सिक्योरिटी, नोटिफिकेशन, पेरेंटल कंट्रोल्स, रिपीटर मोड, इसके साथ साथ रिस्टोर पासवर्ड, स्पीड बूस्ट और QoS भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा. तो फटाफट फ्रेंड हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें इस प्रोडक्ट के साथ क्या क्या देखने को मिलता है और इसका लुक एंड डिजाइन यहाँ पे कैसा है. सो फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे पूरी तरह से अनबॉक्स कर लिया. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट है वो हमारा यहाँ पे मैनुअल. तो मैनुअल कुछ इस तरीके की होगी, तो अंदर से मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके की होगी और यहाँ पे कुछ इस तरीके की होगी. तो मैं इसे किनारे रखता हूँ. इसके बाद जो कॉम्पोनेंट है वो हमारा यहाँ पे क्विक सेटअप गाइड. तो सेटअप गाइड आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी और अंदर से कुछ इस तरीके की दिखेगी, तो मैं इसे भी किनारे रखता हूँ. इसके बाद जो कॉम्पोनेंट है वो हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट अडेप्टर. तो अडेप्टर आपको कुछ व्हाइट कलर में दिखेगा और जैसा नॉर्मल अडेप्टर आपने देखा होगा हर रूटर में वैसे इसका भी है, कुछ अलग नहीं है. तो मैं इसे भी किनारे रखता हूँ. इसके बाद आते हैं हम लोग अपने फाइनल कॉम्पोनेंट्स पे जो कि हमारा MI Router 4C और जो लुक एंड डिजाइन इसका होगा कुछ इस तरीके का होगा. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम कलर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है कलर वो मिलता है यहाँ पे व्हाइट कलर का. इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पे आपको 4 एंटीनास देखने को मिल जाएंगे और ये 180 डिग्री तक यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप बीचों बीच में देखेंगे यहाँ पे आपको MI का लोगो देखने को मिल जाएगा. वहीं पर यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड से देखते या फिर राइट साइड से देखते यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है. वहीं पे अगर हम पीछे से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इन्होंने पोर्ट्स दे रखे हैं. सबसे पहला पोर्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा DC 12 वोल्ट का. इसके साथ यहाँ पे 2 LAN पोर्ट्स आपको देखने को और मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको 1 इंटरनेट या फिर WAN पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा. इसके साथ यहाँ पे 1 रीसेट बटन भी देखने को मिलेगा. पीछे की ओर देखते तो यहाँ पे आपको जो लुक एंड डिजाइन देखने को मिलता है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है. यहाँ पे मॉडल की बात हुई है, इसके साथ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी बात नहीं करी गई है. तो फ्रेंड्स हम लोग जल्दी से यहाँ पे अपने रूटर को कॉन्फ़िगर करते हैं. उससे पहले यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको सेटअप कैसे करेंगे. तो सेटअप करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे आपको कुछ चीजें जाननी होगी. यहाँ अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ढेर सारे पोर्ट्स नजर आ रहे होंगे. इसमें से जो सबसे पहला पोर्ट्स आपको दिख रहा होगा वो होगा यहाँ पे इंटरनेट का पोर्ट्स और इसी को हम लोग बोलते हैं वैन पोर्ट्स. तो यहाँ पे फ्रेंड हम वो केबल इंसर्ट करेंगे जो हमारे ONU से आ रही होती है. इसके बाद यहाँ पे आपको 2 पोर्ट्स और दिखेंगे जो है यहाँ पे हमारे लैन पोर्ट्स और यहाँ पे वो केबल इंसर्ट करेंगे जो हमारे CPU से आ रहे होते हैं. तो आप किसी में भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसके बाद यहाँ पे आपको एक और पोर्ट्स दिख रहा होगा जो यहाँ पे होगा DC वोल्ट के लिए जो कि यहाँ पे पावर के लिए यहाँ पे यूज करा जाता है. लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है फ्रेंड कि जो वैन पोर्ट्स और लैन पोर्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं.
यानी एक ही में होते हैं। लेकिन जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा टेंडा का है, टेंडा D303 इसका मॉडल है, और यहाँ पे जो वैन पोर्ट्स है वो यहाँ पे सेम है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा यहाँ पे वैन पोर्ट्स है। ठीक है, चारों ही यहाँ पे लैन दे रखे और इसी में से यहाँ पे एक वैन पोर्ट्स भी है। तो फ्रेंड क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, यहाँ पे सारे के सारे लैन दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1K/WAN, यानी जो पहला वाला है वही हमारा यहाँ पे वैन पोर्ट्स है, और यहाँ पे जो पहला वाला वो मेरा ये है, तो यहाँ पे यानी यही वैन पोर्ट्स है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर इस तरह का आपको रूटर मिले तो इसमें आप कन्फ्यूज ना होइएगा। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे इसको सेटअप के लिए, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये मेरा पावर वाला दिख रहा होगा आपको, तो मैं इसे पावर वाले में लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरी जो केबल है ये मेरे CPU से आई है, तो मैं इसे CPU से आई है तो जनरली मैं इसे लैन में लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं किसी में भी इसे इंसर्ट कर सकता हूँ, तो मैंने इसको इस वाले में इंसर्ट कर दिया। और ये मेरी तीसरी केबल है, ये मेरे ONU से आ रही, तो मैं इसे इंटरनेट में लगाऊंगा या फिर वैन पोर्ट्स में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटनिंग जल गई है, और अब मैं इसे कॉन्फिगर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अपने कंप्यूटर में आ गया हूँ, और मैं अब यहीं से कॉन्फिगर करूंगा अपने रूटर को। उससे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक मैनुअल दी गई होगी, और उस मैनुअल में यहाँ पे रूटर का एड्रेस दिया गया होगा, उस रूटर को हम यहाँ पे टाइप करेंगे एड्रेस बार में। आप इससे कहीं पे भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, क्रोम में या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में। लेकिन फ्रेंड्स सपोज अगर आपका वो मैनुअल खो गया और आपको नहीं पता क्या है रूटर का एड्रेस, तो क्या करेंगे इस केस में फ्रेंड, यहाँ पे आप टाइप करेंगे CMD, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे, और यहाँ पे इसको यस करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रेंड IP config, तो यहाँ पे आप IP config लिखेंगे, और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी वो है यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे, इस चीज को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे सिंपली हम इसे पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही मैंने इसे पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पे रूटर का जो पेज होगा कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर इंटरफेस खुल गया हमारे MI वाईफाई का, और यहाँ पे मैं इसे एग्री कर रहा हूँ, और मैंने इसको यहाँ पे एग्री कर लिया, और यहाँ पे देखिए लोडिंग हो रही, यहाँ पे लोडिंग हो चुका है। यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड देना है, यहाँ पे कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड पड़ेगा, वो यूजर नेम और पासवर्ड पड़ेगा जो आपको यहाँ पे ISP ने प्रोवाइड किया है। अगर आपको यहाँ पे याद नहीं तो आप सिंपली वहाँ पे कस्टमर केयर को रिंग करें और अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर बताएंगे, वो आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड बता देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ गया हूँ, जब मैंने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर लिया तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। आपसे पूरा यहाँ पे अपना वाईफाई पासवर्ड डालिए, तो जो आपको यहाँ पे डालना वाईफाई पासवर्ड वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना डालता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे अपने रूटर को यहाँ पे कॉन्फिगर कर लिया है। अब यहाँ पे कनेक्ट टू नेटवर्क में करूंगा और ये मेरा यहाँ पे पेज खुल गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्वेश्चन ये उठता है क्या ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे एक ऐसा रूटर ढूंढ रहे जो यहाँ पे काफी कम बजट में अवेलेबल हो, इसके साथ साथ यहाँ पे आप ऐसा रूटर ढूंढ रहे जो यहाँ पे 64 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सके, इसके साथ साथ यहाँ पे आप ऐसा रूटर ढूंढ रहे जो यहाँ पे लो लेटेंसी सपोर्ट करे, इसके साथ साथ यहाँ पे आप ऐसा रूटर ढूंढ रहे जो यहाँ पे यूजर इंटरफेस में काफी अच्छा हो, इसके साथ साथ लुक एंड डिजाइन में भी यहाँ पे काफी परफेक्ट हो, तो मैं कहूंगा ये प्रोडक्ट फिर आपके लिए बनाए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे ऐसा रूटर ढूंढ रहे जो यहाँ पे लुक एंड डिजाइन में तो काफी अच्छा हो, इसके साथ साथ दूसरे और भी फीचर यहाँ पे मिले, और यहाँ पे जो रेंज वो यहाँ पे मोर देन 2 रूम से, तो मैं कहूंगा आप यहाँ पे टेंडा D303 की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता कि यहाँ पे आपको 2.4 GHz का वाईफाई रूटर लेना चाहिए या फिर यहाँ पे 5 GHz का वाईफाई रूटर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं यहाँ पे दोनों में ही कोई भी अंतर नहीं है। जी हाँ, दोनों में ही कोई भी अंतर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अंतर है तो स्पीड और रेंज का। अगर आप यहाँ पे 2.4 GHz का यहाँ पे चुनाव करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सिंगल बैंड, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रेंज मिलती काफी यहाँ पे अच्छी आपको देखने को मिल जाती, लेकिन यहाँ पे स्पीड के मामले में काफी पुअर होते हैं। वहीं पे यहाँ पे बात करें 5 GHz का, तो यहाँ पे आपको स्पीड काफी अच्छी देखने को मिल जाती है लेकिन रेंज के मामले में काफी अच्छे नहीं होते।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रेंज अगर बढ़ानी तो यहाँ पे मैं कहूँगा आप यहाँ पे वाईफाई एक्सटेंडर का भी यूज कर सकते हैं। वहीं पे फ्रेंड अगर आप यहाँ पे स्ट्रीम करते हैं गेम्स को या फिर वीडियोस को और यहाँ पे वॉच करते हैं मूवीज को अल्ट्रा एचडी में, तो मैं कहूँगा आप यहाँ पे 5 GHz की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पे नॉर्मल यूज है तो मैं यहाँ पे कहूँगा आप यहाँ पे 2.4 GHz वाईफाई रूटर की तरफ जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मैं कभी भी अपने चैनल में न्यू वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मैं मिलता आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, गुड बाय, शब्बा खैर, और हाँ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।